हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मुहूरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में, जिसमें हमने लाइफ साइकिल को शुरू किया था कि लाइफ साइकिल क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स का प्रेजेंट होता है, कौन से एल्गी में किस टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल है क्या। लाइफ साइकिल जो होता है, एक जनरेशन के जायगोट से नेक्स्ट जनरेशन के जायगोट के बनने में जितनी भी स्टेजेज आती है उनका सिक्वेंसिंग अरेंजमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। ये तीन टाइप की होती है, मोनोफेजिक, डाइफेजिक एंड ट्राइफेजिक। मोनोफेजिक, डाइफेजिक और ट्राइफेजिक को भी सब टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था। मोनोफेजिक को हैप्लोंटिक टाइप की लाइफ साइकिल में और डिप्लोंटिक टाइप की लाइफ साइकिल में डिवाइड किया। बाईफेजिक या डाइफेजिक को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया था, आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक। ट्राइफेजिक को भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, हैप्लोबायोन्टिक एंड डिप्लोबायोन्टिक। कल के लेक्चर में हमने हैप्लोंटिक टाइप के लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने हैप्लोंटिक टाइप के लाइफ साइकिल में ये देखा था कि हैप्लोइड प्लांट बॉडी से शुरू होता है और इनके अंदर हैप्लोइड स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है डिप्लोइड स्टेज पर। डिप्लोइड स्टेज केवल जायगोट के टाइम पे फॉर्म होती है और कंप्लीट स्टेजेस जो होंगी लाइफ साइकिल की वो हैप्लोइड होगी। आज हम देखेंगे कि डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल क्या होता है, कौन सी एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल डिप्लोइड प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है और इनमें डिप्लोइड स्टेज जो होगी वो डोमिनेंट होगी। हैप्लोइड स्टेज केवल गैमिट्स के टाइम पे ही मिलेगी और कंप्लीट लाइफ साइकिल में डिप्लोइड स्टेज मिलेगी, जैसे कि इसमें स्पोरोफाइट, डिप्लोइड, गैमेटेंजिया जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं वो भी डिप्लोइड। मेल और फीमेल गैमेट्स, केवल मेल और फीमेल गैमेट्स हैप्लोइड होते हैं। उसके बाद में जायगोट बना, जायगोट के बाद में फिर से रीस्टेब्लिशमेंट हो गया किसका, डिप्लोइड स्टेज का। जायगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना देगा, वो भी डिप्लोइड होता है। क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लोइड होती है, एल्गी की प्लांट बॉडी डिप्लोइड होती है। जो सेक्स ऑर्गन्स ये बियर करता है या फिर जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है गैमेटेंजिया, वो भी डिप्लोइड होता है। रिप्रोडक्शन के टाइम पर या फिर रिडक्शन स्टेज केवल मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे बनती है। क्या, रिडक्शन डिवीजन केवल मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे बनती है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जायगोट डिप्लोइड स्टेज होती है, जायगोट डिप्लोइड स्टेज होती है। यहाँ पे डिप्लोइड स्टेज का फिर से रीस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, डिप्लोइड स्टेज का फिर से रीस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। जायगोट टर्मिनेट होकर डिप्लोइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है या फिर डिप्लोइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। कौन कौन से एल्गीज की या फिर कौन कौन से क्लास की एल्गी में ये देखने को मिलता है, क्लोरोफाइसी के अंदर क्लेडोफोर मेंबर में देखने को मिलता है डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल। क्लोरोफाइसी के क्लेडोफोर मेंबर में देखने को मिलता है। फियोफाइसी के फ्यूकस मेंबर में भी डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। और कहाँ पे, ऑलमोस्ट और सभी बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स के अंदर डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डायग्राम से हम समझेंगे फिर से कि डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल है क्या। एक डिप्लोइड प्लांट बॉडी है, डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल कौन से एल्गी में प्रेजेंट होता है, डिप्लोइड प्लांट बॉडी में। डिप्लोइड प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहा, स्पोरोफाइट में गैमेटेंजिया भी डिप्लोइड है। गैमेटेंजिया क्या है, गैमेटेंजिया वो सेल्स या वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेटेंजिया, डिप्लोइड गैमेटेंजिया से रिडक्शन डिवीजन के थ्रू मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बने। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हैप्लोइड होते हैं, इनके अंदर डिप्लोंटिक टाइप के लाइफ साइकिल के अंदर केवल यही स्टेज हैप्लोइड होती है और कंप्लीट लाइफ साइकिल डिप्लोइड होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डिप्लोइड स्टेज हैप्लोइड के ऊपर डोमिनेंट है या फिर डिप्लोइड स्टेज जो है वो ज़्यादा समय के लिए प्रेजेंट है, हैप्लोइड की अल्प समय के लिए प्रेजेंट होती है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बने, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद में जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट डिप्लोइड स्टेज है, यहाँ पर डिप्लोइड स्टेज का फिर से रीस्टेब्लिशमेंट हो गया। जायगोट जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद में ये फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। स्पोरोफाइट भी डिप्लोइड होता है, स्पोरोफाइट भी डिप्लोइड होता है। क्या देखा हमने,
प्लांट डिप्लोइंटिक टाइप की लाइफ साइकिल में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डिप्लोइड प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलती है डिप्लोइंटिक टाइप की लाइफ साइकिल। फीचर्स क्या क्या है इनके अंदर, कंप्लीट प्लांट बॉडी के अंदर जो भी स्टेजेस आएगी वो सभी डिप्लोइड होगी केवल गैमिट्स को छोड़कर। डायग्राम में हमने देखा था कि स्पोरोफाइट डिप्लोइड, गैमेट एंजिया भी डिप्लोइड, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स बना है। केवल मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स ही हैप्लोइड होते हैं। इन मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होने के बाद में जायगोट बनाया, जायगोट फिर से डिप्लोइड स्टेज का रीस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। जायगोट स्टेज के ऊपर जायगोट डिप्लोइड होता है, डिप्लोइड जायगोट जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेशन के बाद में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हैप्लोइड टाइप के लाइफ साइकिल में हमने यहाँ पे क्या देखा था, हैप्लोइड में हमने देखा था गेमेटोफाइट से शुरू हो रही थी, गेमेटोफाइट्स हैप्लोइड था, गेमेटोफाइट के बाद में गेमेंटेंजिया भी हैप्लोइड था, उनके अंदर मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स बने वो भी हैप्लोइड थे, ये हैप्लोइड थे। दोनों का फ्यूजन हुआ, फिर जायगोट बना, जायगोट डिप्लोइड था, हैप्लोन्टिक में केवल जायगोट डिप्लोइड था। और जायगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 मियोस्पोर्स बने, 4 मियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लिया था। इस ये बेसिक डिफरेंस है दोनों हैप्लोन्टिक में और डिप्लोन्टिक में कि उसमें कैसे स्टेजेस थी और इसमें कैसे स्टेज है। उसमें केवल जायगोट डिप्लोइड था, जबकि इनमें केवल मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के टाइम पे हैप्लोइड स्टेज है। और कंप्लीट लाइफ साइकिल में हमें डिप्लोइड टाइप के डिप्लोइड स्टेज देखने को मिलती है। हम हैप्लोन्टिक का भी डायग्राम ड्रॉ करके इसमें डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या कौन सी स्टेज जो होगी कहाँ कहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। पहला डिफरेंस तो यही है कि हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल जो होगा वो हैप्लोइड प्लांट बॉडी में मिलता है। दूसरा, डिप्लोन्टिक डिप्लोइड प्लांट बॉडी में वो गैमेटोफाइट से शुरू हुआ था, गैमेटोफाइट हैप्लोइड थी, गैमेटेंजिया हैप्लोइड, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स हैप्लोइड, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट डिप्लोइड। जायगोट में मियोसिस डिवीजन, 4 मियोस्पोर्स बने, जर्मिनेट हुए और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे। मियोस्पोर्स भी हैप्लोइड। ब्लू कलर से हैप्लोन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल को ड्रॉ किया है और ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया गया है वो डिप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले प्लांट बॉडी से शुरू करते हैं। इसमें गैमेटोफाइट है, हैप्लोइड है, इसके अंदर स्पोरोफाइट है, डिप्लोइड है। इसके अंदर हैप्लोन्टिक के अंदर गैमेटेंजिया जो थी वो भी हैप्लोइड थी। गैमेटेंजिया क्या है, जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, से इसके अंदर गैमेटेंजिया हैप्लोइड है हैप्लोन्टिक के अंदर, जबकि डिप्लोन्टिक के अंदर गैमेटेंजिया भी डिप्लोइड है। गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमिट्स हैप्लोइड जायगोट बना लिया, जायगोट डिप्लोइड स्टेज होगी। हैप्लोन्टिक के अंदर केवल जायगोट स्टेज जो होगी वो डिप्लोइड होती है। जायगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 मियोस्पोर्स बने, यहाँ पे हैप्लोइड स्टेज फिर से रीस्टेब्लिश्ड हो गई, जर्मिनेशन हुआ और गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सा टाइप का लाइफ साइकिल है, ये हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है। और डिप्लोन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट डिप्लोइड, गैमेटेंजिया डिप्लोइड, उसके अंदर मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स, केवल यही स्टेज जो है वो हैप्लोइड होगी। इनका फ्यूजन से जायगोट बना, जायगोट के टाइम पे फिर से डिप्लोइड स्टेज का रीस्टेब्लिशमेंट हो गया, जर्मिनेशन हुआ जायगोट का, जर्मिनेशन होने के बाद में स्पोरोफाइट का या प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन फिर से हो गया। बेसिक डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे केवल जायगोट स्टेज जो थी हैप्लोन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में, केवल जायगोट स्टेज जो थी वो डिप्लोइड थी
और डिप्लोंटिक टाइप की लाइफ साइकिल में केवल मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स वाली जो स्टेज है वो हैप्लोइड है। आई होप आप लोगों को डिप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल क्या है वो समझ में आया होगा, हैप्लोंटिक में और डिप्लोंटिक में डिफरेंस क्या है वो भी समझ आया होगा। लेक्चर को, वीडियो को ध्यान से देखना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।